की घड़ी आ गई, नवाबों की टोली छा गई। हम है छोटे नवाब, लेकर आए हैं मस्ती बेशुमार। हे वेलकम टू दिस रेडियो शो फ्रेंड्स, मैं भविष्य आ चुका हूँ अपने बाकी फ्रेंड के साथ लेकर आपका फेवरेट शो छोटे नवाब ओनली ऑन एफएम रेनबो। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त चुलबुली काशवी। मैं और मेरी गैंग आज आपके साथ शेयर करेगी बहुत सारी बातें, कविताएं और बहुत कुछ। अच्छा दोस्तों, जैसे कि हमें पढ़ना जरूरी है, हमें खाना जरूरी है, तो एक और चीज है जो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सोना, सोना, खाना, पीना और खेलना। हाँ विराट ने बिल्कुल सही कहा, बाकी चीजें भी जरूरी हैं, पर खेलना हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। कोई बताएगा कैसे? मैं बताओ। क्योंकि खेलने से हमारी बॉडी चुस्त और तरुस्त रहती है और हमारी एक्सरसाइज भी होती है। हाँ, हाँ बिल्कुल सही। और खेलने से हमारी डिसिप्लिन और कंसंट्रेशन भी बढ़ती है। अरे मुझे भी कुछ बताना है। तो बताओ भाई, शांत क्यों हो? उससे हमारी इम्यूनिटी भी बढ़ती है और हमारी टीम स्पिरिट भी बढ़ती है। हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, अगर हम टीमों वाले स्पोर्ट खेलें तो हम आगे चल के टीमों में आसानी से काम कर सकते हैं। मैंने सही कहा ना? अच्छा बिल्कुल सही कहा। किसी टीम स्पोर्ट का नाम तो बताओ। स्विमिंग, फुटबॉल, फुटबॉल, फुटबॉल। हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, फुटबॉल, बास्केटबॉल, क्रिकेट, ये सब टीम स्पोर्ट है। और जिसको नहीं पता, टीम स्पोर्ट वो स्पोर्ट होता है जिसमें हम एक टीम में खेलते हैं। अच्छा तो क्या किसी के पास खेलों पे कोई जानकारी है? हाँ मेरे पास है। तो कब दोगे, प्रोग्राम के खत्म होने के बाद? नहीं, अभी। तो दे दो फिर। मैं हॉकी के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। अच्छा हॉकी, तो हाँ। बताओ। फ्रेंड्स कुछ लोगों का मानना है कि हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है, पर मैं आपको बता दूं, दरअसल ऐसा मानने के पीछे भारत में हॉकी का स्वर्णिम इतिहास है। 1928 में अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में पहली बार भाग लेने वाली भारतीय हॉकी टीम ने 1928 से लेकर 1956 तक लगातार 6 ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते थे, और इसलिए हमें लगने लगा कि हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है। और ऐसा ही कुछ हुआ कबड्डी के साथ। कबड्डी की लोकप्रियता देखकर हमें यह लगने लगा कि कबड्डी भी भारत का राष्ट्रीय खेल है। दोस्तों जैसे कि हम खेल के एकदम जोश में आ जाते हैं और हमारा मानसिक और शारीरिक विकास होता है, वैसे एक और चीज है जो करके हमारा दिमाग तंदुरुस्त हो जाता है, हमें मजा आने लगता है और हम वापस जोशीले हो जाते हैं। तो कोई बताएगा वो क्या है? गाना सुनना। तो क्यों जोश को वापस बुलाए? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत। हर बॉल पे तमाचा दे, झटका दे फट।
गाना कैसा लगा? मुझे तो बहुत अच्छा लगा। अच्छा, जोश आ गया? हाँ। चलो फिर घर चल के मेरा होमवर्क करना है सब लोग। ठीक है। अच्छा दोस्तों, जैसे हमने अभी स्पोर्ट्स के बारे में बातें करी, तो मैं तुमसे कुछ सवाल पूछूंगा, तुम मुझे उसका सही सही उत्तर देना। अरे पहले मेरी जानकारी तो सुन लो। अच्छा पहले बताओ, पढ़ाई के साथ साथ हमारे जीवन में खेल कूद भी बहुत जरूरी है। हाँ, तुमने तो एकदम पॉइंट की बात करी है विराट। कॉमनवेल्थ गेम्स अभी ही हुए हैं। मुझे भी कुछ आपको जानकारी देनी है। हाँ हाँ बताओ बताओ। फ्रेंड्स, आप ये तो जानती हो कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, पर क्या आप ये भी जानते हैं कि ये क्यों मनाया जाता है? हाँ मैं बताऊँ। हाँ बताओ बताओ। मुझे पक्के से तो नहीं पता, पर शायद इस दिन मेजर ध्यानचंद जी का जन्म हुआ था। हाँ बिल्कुल सही, राष्ट्रीय खेल दिवस हॉकी के दिग्गज मेजर ध्यानचंद सिंह की जयंती के उपलक्ष्य में 29 अगस्त को मनाया जाता है। हॉकी के जादूगर का जन्म 29 अगस्त 1905 को हुआ। इन्होंने 1928, 1932 और 1936 में भारत के लिए ओलंपिक में न सिर्फ बेहतरीन प्रदर्शन किया, बल्कि स्वर्ण पदक जीत कर खेल जगत में नया कीर्तिमान स्थापित किया। अरे वाह, आज का शो तो बहुत ज्यादा ज्ञानवर्धक हो गया है। मैं तो सारी बातें कॉपी में लिख लेता हूँ, जब भी मैम पूछेंगी मैं क्लास में जवाब देके अच्छा बच्चा बन जाऊंगा। अच्छा, कॉपी करोगे कॉपीज से लिख के? चीटर। अच्छा, क्या किसी को पता है KIYC का क्या मतलब होता है? KIYC KIYC ये क्या होता है? मुझे तो नहीं पता। इसका मतलब होता है खेलो इंडिया यूथ गेम्स। मैंने इसके बारे में सुना तो है, पर ये शॉर्ट फॉर्म फुल फॉर्म के चक्कर में ना मेरे हर बार इंग्लिश में नंबर कट जाते हैं। ये वही है ना जो हर साल होता है, जिसमें हर स्टेट से लोग जाते हैं खेलने के लिए? हाँ हाँ, और इस बार मध्य प्रदेश ने 22 मेडल जीते थे। इसमें अंडर 17 और अंडर 21 की टीम्स आती हैं, और जो टीम सबसे अच्छा खेलती है उन्हें एक स्कॉलरशिप मिलती है और वो इंटरनेशनल में खेलते हैं। अच्छा दोस्तों, मेरे को तो फुटबॉल पसंद है, आप सबको क्या पसंद है? मैं बताऊं। अच्छा एक एक करके बताओ भाई, तुम दोनों लड़ाई करने लगते हो बात बात पे। लड़ाई करना गलत बात होती है, अभी रक्षाबंधन पे सीखा था ना? हाँ सीखा था। अच्छा तो आप कौन बताएगा? मैं। अच्छा कोई भी एक बता दो। मुझे क्रिकेट, फुटबॉल और स्विमिंग अच्छी लगती है। मुझे फुटबॉल अच्छी लगती है। मेरे फेवरेट गेम तो फुटबॉल है और फेवरेट प्लेयर क्रिस्टियानो रोनाल्डो। फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि एक साल में एक बेस्ट प्लेयर को ही गोल्डन शूज मिलता है, और रोनाल्डो ने 4 गोल्डन शूज अपने नाम किए हैं। इनमें से 3 गोल्डन शूज उन्होंने अनाथालय यानी ऑर्फन एज में डोनेट भी किए हैं। तो है ना रोनाल्डो एक शानदार प्लेयर। हाँ। के साथ साथ महान इंसान भी, तभी तो वह मेरे फेवरेट हैं। हाँ, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। रोनाल्डो मुझे सबसे ज्यादा अच्छा क्रिकेट लगता है, और क्रिकेट में सबसे ज्यादा अच्छा प्लेयर रोहित शर्मा लगता है। मुझे इसलिए लगता है क्योंकि उन्होंने ODI टीम में 10,000 रन मारे थे, और उन्होंने 3 बार यानी कि 200 रन की सेंचुरी मारी थी, डबल सेंचुरी। अरे वाद विवाद तो चलता ही रहेगा। अच्छा दोस्तों, तुम मेरे कुछ सवालों का जवाब दो। मैं किसी स्पोर्ट पर्सन का नाम लूंगा, तुम्हें बताना है कौन सा खेल खेलते हैं। ठीक है? ठीक है। पुलेला गोपीचंद कौन सा खेल खेलते हैं? हमें तो नहीं पता। बैडमिंटन। टेनिस। और सही जवाब है बैडमिंटन, जो हमें दिया है ऋषि ने, तो ऋषि के लिए एक बार जोरदार तालियां। अच्छा अब बजरंग पुनिया कौन सा खेल खेलते हैं? रेसलिंग। तो निताय ने एकदम सही जवाब दिया, तो एक बार निताय के लिए भी तालियां हो जाए भाई। अच्छा ये आखिरी सवाल, और ये मेरे फुटबॉल के चहेते दोस्तों के लिए है, उदांता सिंह कौन सा खेल खेलते हैं? वैसे इसके सवाल में ही जवाब था फुटबॉल। तो इन सब के लिए एक बार जोरदार तालियां। अच्छा दोस्तों, मुझे लग रहा है तुम्हारा जोश खत्म हो गया है, तुम लोग बोलना ही बंद कर देते हो। ओ जोश बढ़ाने के लिए वापस से गाना सुने क्या? जोश बना हुआ है। नहीं, तुम्हारा तो बना है, बाकियों का नहीं बना, तो एक बार जोशीली आवाज में बता दो, सुन ले क्या? हाँ,
सुनते हैं। मलदे सूरज के मुंह पे मलाई, बुड़बक बादल पे करते चढ़ाई। अरे मलदे सूरज के मुंह पे मलाई, बुड़बक बादल पे करते चढ़ाई। खोले किताब पे करे हम पढ़ाई, पानीपत में हुई थी लड़ाई। सुनो सुनो देखे सुनो, डर नहीं शेर बनो, डरोगे तो ठेंगा मिलेगा। बदमाशियों से जरा बाज आओ, थोड़ा किताबों से भी दिल लगाओ। अरे बदमाशियों से जरा बाज आओ, थोड़ा किताबों से भी दिल लगाओ। विद्या कसम हम पढ़ेंगे दबा के, मगर तुम भी देखो किताबों से आगे। बढ़ो जरा आगे बढ़ो, लिखा नहीं जो वो पढ़ो, डरोगे तो ठेंगा मिलेगा। हवा में जो उड़ता फिरेगा, मंडे को टीचर का डंडा पड़ेगा। ऐसे हवा में जो उड़ता फिरेगा, मंडे को टीचर का डंडा पड़ेगा। क्रिकेट का मैं करूँगा बहाना, कैंसल है मंडे को स्कूल जाना। जिद मेंटेन करो, चढ़ माउंटेन चढ़ो, डरोगे तो ठेंगा मिलेगा। जोश आ गया क्या? हाँ बिल्कुल आ गया, फिर से आ गया। पर जोश गलत टाइम पे आया है, अब हमारे ना घर जाने का वक्त हो गया है। अरे फिर क्या एनर्जी का क्या करेंगे? कोई बात नहीं, अब हम घर जाते जाते एक रेस लगाएंगे। कौन कौन लगाएगा रेस? मैं। तो चलो इसी के साथ अपने श्रोताओं कहते हैं बाय बाय। हम आपको फिर मिलेंगे अगले रविवार इसी सेम फ्रिक्वेंसी पर, ढेर सारी बातों के साथ, ढेर सारे ज्ञान के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। मैं पहले भाग रहा हूँ। नहीं मैं पहले भागूंगा। आ गए हैं छोटे नवाब। स्वागत नहीं करेंगे आप तो करी रेनबो को ट्यून संडे शाम 7:15 बजे।